हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ASM स्कूल क्लासरूम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर अमित नागपाल। वी आर टेकिंग क्लास सिक्स एंड द चैप्टर नंबर फोर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इन दिस सीक्वेंस वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी 4.1 एंड 4.2। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। सो इन एक्सरसाइज 4.3 यू कैन सी इन योर बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी टाइप ए क्वाड्रिलेटरल वी हैव एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल वी नीड टू टेल द फोर नेम्स ऑफ द एंगल्स। It can be seen easily four names, which are the four names: angle A, angle B, angle C, and angle D. But the main thing is, how can we write the full name of these angles? You can see, if we are writing the name of angle A, angle A is becoming between B, between point D and B. So the name of angle A will be angle DAB, or you can say angle BAD. Both are correct. So we have to tell the names of four angles, and which are those four angles? Angle A, then the full name of this angle is angle DAB, and if we writing the name for angle B, the full name of this angle B will be angle ABC, and for C you can write angle DCB. It is also correct, or you can say BCD, both are correct. And for angle D the name will be angle CDA. So these are the four names that we have to tell in question number first. So let's take question number second. I hope you understand this question. I think it is very easy. Whenever we will take our Zoom class, on that time you can ask your queries. Otherwise it is very easy question. Let's take question number two. इस क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। आप देख सकते हो दो एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, एंगल डी ओ ई और एंगल ई ओ एफ। तो इसके ए पॉइंट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए पॉइंट में हमसे पूछ रहे हैं ये बताइए कि एंगल डी ओ ई के इन साइड में कौन सा पॉइंट है। आपको आराम से दिख रहा होगा कि एंगल डी ओ ई ये वाला है, और इसके इन साइड में कौन सा पॉइंट है, इसके इन साइड में पॉइंट नंबर है ए। सो क्वेश्चन नंबर टू का ए का आंसर होगा ए पॉइंट का। उन्होंने पूछा कौन सा पॉइंट है डी ओ ई के इन साइड, देर इज ए पॉइंट, यू कैन राइट ओनली ए पॉइंट। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट पार्ट बी। इन पार्ट बी दे आर आस्किंग इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। एंगल ई ओ एफ के एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, एंगल ई ओ एफ के एक्सटीरियर में दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट सी और एक पॉइंट ए है। तो उसका आंसर क्या होगा, सी एंड ए। और सी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, ऑन एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, एंगल एक तो पॉइंट ई खुद है, एक ओ एफ और साथ में है बी पॉइंट। तो ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, ई ओ एफ एंड बी पॉइंट, ये पॉइंट इसके। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर टू। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 4.3। In exercise, in question number third, they are asking about draw rough sketches of one point in common. अपने को ऐसे दो एंगल बताने हैं जिनमें वन पॉइंट कॉमन हो, तो हम बता सकते हैं ईजिली। सो वन पॉइंट कॉमन के लिए अगर आप देखें थर्ड, एक मैंने ये एक एंगल बनाया और इसका नेम मैंने लिख दिया अपनी ओर से एंगल ए ओ बी, इसका नेम है एंगल ओ ए। और इसके साथ टच करता हुआ मैंने एक और एंगल बना दिया और इसका नाम मैंने रख दिया एस ओ टी। अब आप देख सकते हो कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए ओ बी के अंदर भी ओ पॉइंट आ रहा है और एस ओ टी में भी ओ पॉइंट आ रहा है, तो वो कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, ओ। बी पार्ट में अपने को ऐसे दो एंगल बनाने हैं जिनके अंदर दो पॉइंट कॉमन हो, तो अपने बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी। हमने बनाया एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे दिया ए बी, इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे दिया ए बी। और यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया है, इसका नाम है टी और ये पॉइंट है ओ। तो अब आप देख सकते हो ये दो एंगल कौन कौन से हैं, एक का नाम तो है एंगल ए ओ टी और दूसरे का नाम है एंगल बी ओ टी। तो वो दो कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं, वो दो कॉमन पॉइंट हैं बच्चों ओ एंड टी। उन्होंने कहा था ऐसे दो एंगल बनाओ कि जिनमें दो पॉइंट कॉमन हो, और वो दो पॉइंट कॉमन कौन से हैं, ओ एंड टी। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि तीन पॉइंट कॉमन हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तीन पॉइंट कॉमन होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो वी कैन सी इजीली हाउ कैन वी गेट थ्री पॉइंट कॉमन इन टू एंगल्स।
स्टूडेंट्स आपने सभी ने सुना होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे एंगल होते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लास्ट वन इज जीरो एंगल. सो इफ़ वी हैव टू फाइंड 3 पॉइंट्स इन कॉमन, इट इज़ पॉसिबल ओनली वन इन वन सिचुएशन. लाइक आई एम मेकिंग एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड दिस इज द एंगल सिंबल. स्टिल आई हैव ओनली वन एंगल, बट इफ आई मेक दिस सिंबल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल विद दिस डायग्राम, नाउ वी हैव टू एंगल्स. वन एंगल इज एक्यूट एंगल एंड अनदर एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. सो द नेम ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ऑल्सो ए ओ बी एंड द नेम ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑल्सो ए बी. इट मीन्स वी हैव 3 पॉइंट्स कॉमन. तो यहाँ पे दो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो है एक्यूट, एक्यूट एंगल ए ओ बी, इसके अंदर भी ए ओ बी आ रहा है, और दूसरा कौन सा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी. तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास में 3 पॉइंट कॉमन आ जाते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग पोर्शन था. और उससे अगले पॉइंट में अपने से 4 पॉइंट मांगे कॉमन. वो 4 पॉइंट अपने कैसे कॉमन ला सकते हैं, देखिए ज़रा. 4 पॉइंट कॉमन लाने, बेटा वैसे तो हमारे पास जो एंगल होते हैं उसमें ओनली 3 पॉइंट ही पॉसिबल होते हैं, लेकिन ये अपने को चौथा पॉइंट लाना है तो वो अपने को उसका नेम 4 डिजिट 4 अल्फ़ाबेट्स का देना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे अपने एक एंगल बनाया, इसका नाम दे दिया अपने एक्स वाई जेड, ये एक एंगल है. और दूसरा एंगल जो अपने रिफ्लेक्स बनाने वाले हैं उसका नाम भी एक्स वाई जेड होगा. बट हमें चाहिए 4 पॉइंट कॉमन. वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी तरफ से यहाँ पे इसकी दोनों रेस पे कोई एक पॉइंट लिख देते हैं. मान लीजिए मैंने यहाँ पे टी पॉइंट लिख दिया. अब अगर अपने इसका नाम पढ़ना चाहे तो अपने एक्स वाई जेड पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि वो 4 अल्फ़ाबेट चाहते हैं तो अपने इसका नेम क्या पढ़ेंगे, एक्स टी वाई जेड. ये एक एंगल है जो कि एक्यूट है, एक्यूट एंगल एक्स टी वाई जेड. और दूसरे वाले का नेम क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल एक्स टी वाई जेड. तो इस तरीके से 4 अल्फ़ाबेट कॉमन आ सकते हैं. बट नाउ वी हैव लास्ट पार्ट. इन लास्ट पार्ट दे वांट वन रे कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए. तो वही इसका डायग्राम अपने बना सकते हैं. ये अपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और यहाँ पे हमने एक रे बनाई है, और इस रे का नाम है टी ओ और इन पॉइंट्स का नाम है ए बी. तो अब आप देख सकते हो ए ओ टी एंगल में ओ टी रे आ रही है, और बी ओ टी में भी ओ टी रे आ रही है. तो इस तरीके से ओ टी रे इज़ कॉमन, ओ टी रे इज़ कॉमन. और ये जो ओ टी रे है इसके ऊपर आप एरो बनाएंगे बिकॉज ये रे का सिंबल होता है. तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.3. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. इन एक्सरसाइज नंबर 4.4 we need to tell the names of triangles, names of triangles. ये बोल रहे हैं first question में, draw a rough sketch of a triangle ABC, mark a point P in its interior and a point Q in the exterior. Is a point is exterior or interior? मेरे को एक rough triangle बनाना है. ये मैंने बना दिया ABC, ये आपकी 4.4 का first question है. ये ABC बना दिया. ये बोल रहे हैं कि एक point लो P point, जो कि इसके interior में, ये मैंने ले लिया P point interior में है, और एक पॉइंट लेना है क्यू जो कि एक्सटीरियर में है, तो ये भी ले लिया. फिर ये बोलते हैं कि आप बताइए कि ए पॉइंट एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, आपको क्या लगता है ए पॉइंट कहाँ पे है. तो बच्चों ए पॉइंट ना तो इंटीरियर में है ना तो एक्सटीरियर में, ए पॉइंट इज़ ऑन द सर्कल. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए पॉइंट इज़ ऑन द ट्राइंगल, ए पॉइंट इज़ ऑन द ट्राइंगल, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड. ऑन द ट्राइंगल नाइदर इनसाइड और नॉर आउटसाइड. ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी. इन सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट राइट द नेम्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर. हमें एक फिगर दिया हुआ है और अपने को ट्रायंगल्स के नेम बताने हैं. ये अपना एक फिगर है ट्रायंगल का, इसमें दो या तीन ट्रायंगल बने हुए हैं इस तरीके से. इसका नाम है ए बी सी और ये डी पॉइंट है. तो आप देख पा रहे हो इसमें कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, दो तो बच्चों आराम से दिख रहे हैं, और थर्ड ये मेन हो गया. तो यहाँ पे कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स. उनके नेम बताने हैं, जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे उनके अपने को नेम बताने हैं. वो नेम कौन कौन से, एक तो ए बी डी हो गया, ट्रायंगल ए बी डी. देखो बेटा ये ट्रायंगल का सिंबल है और ये एंगल का सिंबल है, कन्फ्यूज़ मत होना. ये ट्रायंगल ए बी डी है, उसके बाद में है ट्रायंगल ए डी सी, और लास्ट वाला है ट्रायंगल बी ए सी. ये 3 ट्रायंगल है. उसके बाद में राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, हमें 7 एंगल्स के नेम बताने हैं. वो 7 एंगल्स के नेम क्या होंगे, एंगल देखा जाए तो अपने ऐसे बताना मुश्किल है ना, तो अपने पहले ही नंबरिंग कर लेते हैं. देखिए ये 1 हो गया,
ये एंगल टू हो गया, ये एंगल थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स, और इन्होंने बोला सेवन बताओ। अब सेवन कहाँ से ढूंढें? तो बच्चों यहाँ पे सेवन मौजूद है, वो सेवन्थ एंगल कौन सा होगा? दिस वन, दिस इज़ बिग एंगल, दिस इज सेवन्थ। नाउ वी कैन टेल द नेम्स। एंगल वन का नेम क्या हो सकता है? ए बी डी, ये एंगल वन का नेम हो गया। एंगल टू का नेम क्या हो सकता है? एंगल टू का नेम होगा बी ए डी, एंगल बी ए डी। एंगल थ्री का नेम क्या हो सकता है? एंगल ए डी बी, ए डी बी। और एंगल फोर का नेम डी ए सी, एंगल डी ए सी। एंगल फाइव का नेम क्या हो सकता है? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। एंगल सिक्स का नेम ए सी डी, एंगल ए सी डी। और लास्ट वन एंगल सेवन का नेम बी ए सी। सो दिस मच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डील इन 4.4। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड बाय।